मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मान्य सांसद भदोही श्री रमेश चंद बिंद जी, मान्य विधायक नील रतन पटेल जी, सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना से देश की 135 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षित रखना बल्कि एक एक गरीब के घर तक उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी आवश्यकताओं के लिए इस पूरे कालखंड के दौरान उसे हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 1,76,000 करोड़ रुपए की हर गरीब की जरूरत को पूरा करने की योजना हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20,00,000 करोड़ रुपए की देश के युवाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए पैकेज की घोषणा के साथ ही उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का हो, देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तताओं के साथ ही काशी के बारे में हर पल हर क्षण हर जानकारी रखने और यहां के लोगों की, यहां के विकास की, यहां की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने की हर पल हर क्षण चिंता करने के साथ ही उसके प्रति निरंतर एक जुड़ाव के साथ आज दुनिया की दो प्राचीन नगरियों को जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन देव दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी इस पवित्र काशी में हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी अपनी पुरातन काया के साथ, नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर से जगमगा रही है और ये हम सब एहसास कर सकते हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो लोकार्पित हुई हैं या उनका शिलान्यास हुआ है और वर्तमान में ढेर सारी परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य भी चल रहा है। एक काशी के विकास की उस नई गौरव गाथा को आगे बढ़ाने की कहानी है जिसके लिए काशी का प्रत्येक नागरिक वर्षों से सदियों से उतावला था। आज काशी की तमन्ना प्रयागराज और काशी को जोड़ने की इस 6 लेन के हाईवे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर 2014 के बाद हाईवे निर्माण की गति या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए और विगत 3.5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके अनुकंपा से प्रदेश के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी जो कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसका परिणाम है कि 2014 के पहले की बात छोड़िए, 2014 के बाद अगर हम प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे के निर्माण की स्पीड को देखेंगे तो एवरेज लगभग 2 किलोमीटर मार्ग हाईवे का निर्माण प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये विकास की एक नई कथा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर लिखे जाने की एक नई व्यवस्था हम सब अपने आंखों से देख रहे हैं। आज के इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया के सामने जिस मजबूती के साथ रखा है, हम सब देख रहे हैं, सामरिक दृष्टि हो, भारत की सुरक्षा का मामला हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का हो, या फिर विकास की योजनाओं का लाभ एक एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन उनकी स्वयं की काशी में आज हम सबको स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं प्रयागराज काशी को जोड़ने वाले इस 6 लेन के हाईवे के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात का के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, गरीब कल्याण का और जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में, देश हित में, लोक कल्याण के लिए लागू की जाती हैं, उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से भगवान विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुगम संपर्क, तेज विकास, सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी। इसी दिशा में है आज का ये लोकार्पण, आज का ये कार्यक्रम। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो 73 किलोमीटर लंबे 2,447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का बटन दबाकर लोकार्पण करें। बटन दबा, पर्दा हटा, शिलापट का अनावरण, काशीवासियों को विकास का एक नया उपहार, उत्तर प्रदेश में विकास की तेज रफ्तार का एक नया अध्याय इस राजमार्ग के लोकार्पण के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये परियोजना कैसी है, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन की उच्च तकनीक के साथ ये बनी है और इसका लाभ क्या क्या होगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुगम यातायात और विकास को गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के 5वें चरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज से वाराणसी खंड का 6 लेन में चौड़ीकरण किया गया है। भारत के 2 सांस्कृतिक शहरों प्रयागराज और वाराणसी को आपस में जोड़ने वाली ये परियोजना इन दोनों शहरों के बीच आवागमन को सुगम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाएं वाराणसी में सफलतापूर्वक संचालित है और इस क्षेत्र की तरक्की को गति दे रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज से वाराणसी खंड की कुल लंबाई 73 किलोमीटर है। इस राजमार्ग को 2,447 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आधुनिक तकनीकी से निर्मित 6 लेन के इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 5 एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, 3 फ्लाईओवर्स, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास का निर्माण किया गया है।
यह राजमार्ग दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का भी एक प्रमुख भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ते हुए यह राजमार्ग पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर तथा वाराणसी से होकर गुजरता है। इस परियोजना में निर्मित एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स और फ्लाईओवर्स के कारण इन क्षेत्रों में भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी। पहले वाराणसी से प्रयागराज के मध्य यात्रा करने पर 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था, अब इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात मात्र 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, जिससे समय तथा ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भारी कमी आएगी। साथ ही शहरों के विकास को गति मिलेगी और लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देगी तथा माँ विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर एवं सीतामढ़ी मंदिर भदोही की तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन सुलभ करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया जा रहा है, तो विकास को रफ्तार देने के लिए तैयार है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का प्रयागराज से वाराणसी खंड। आइए प्रगति के इस पथ का हिस्सा बने। उत्सव से जब जन कल्याण का उद्देश्य जुड़ जाता है तो वास्तव में उत्सव की शोभा और सार्थकता और बढ़ जाती है। आज का ये आयोजन देव दीपावली में शाम को सजे असंख्य दीपों की आभा में विकास के रंग भी जोड़ देगा। 135 करोड़ भारतीयों के हृदय में उम्मीद, विश्वास, विकास, स्वावलंबन और गौरव के दीप जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पूरे आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने ओजस्वी प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारे हौसलों को एक बार फिर नई शक्ति दें। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी।